नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं प्रभात, अभी हमारे साथ सुदेश गोयत हैं, और जो कि यहाँ पर पहले दिन से ही जब पहलवानों का आंदोलन शुरू हुआ है तब से यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं जिस तरीके से टेलीविज़न चैनल्स में तमाम जगहों पर कुछ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जो सुदेश गोयत जी हैं, महिला हैं, ये आंदोलनजीवी के रूप में इन्हें दिखाया जा रहा है, और तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि उन आरोपों पर और इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं इन पर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कहिएगा मैम, जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं, इस मुद्दे से भटकाया जा रहा है कहीं आपको? देखिए, ये मुद्दे जो आंदोलन शुरू हुआ है ये एक गुनहगार को सजा दिलाने के लिए शुरू किया गया है, और गुनहगार इतना ताकतवर है, बाहुबली है, वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पहले ही आंदोलन को कभी बोला कि एक अखाड़े के लोग हैं, कभी कहा गया कि एक जाति के लोग हैं, कभी कहते हैं कि एक राज्य के लोग हैं। तो उनकी जब कहीं पर भी काम नहीं चल रहा है तो वो सारे रास्ते ढूंढ रहा है कि कहाँ से मैं इस आंदोलन को कमजोर करूँ। तो जिन लोगों की सोच है, जो वो उनके विचार हैं, वो मुझे क्या समझते वो उनकी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जब जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ मैं आवाज़ उठाऊँगी, और हमारी सरकारें या कुछ लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को अगर वो लोग आंदोलनजीवी कहते हैं तो मैं गर्व से कहूँगी हाँ, मैं एक आंदोलनजीवी हूँ, क्योंकि मैं जब जब अन्याय होगा वहाँ मैं आवाज़ उठाऊँगी। मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूँगी, जिसने जो कहना उसकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इमोशनल हुई थी उस टाइम पे भी, अभी मतलब बार बार इमोशनल भी हो जाती है, उसमें आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो बनावटी इमोशनल बना है, इस तरीके से क्या कहेंगे? देखिए, हो सकता है उनको आदत होगी बनावटी करने की, और हम उन लोगों में से नहीं है। जब मैं यहाँ पे पहुंची, दोनों बेटियाँ बहुत फूट फूट के रो रही थी, उनके ऊपर हमला हुआ था, तो वो बेटियाँ इतनी ज़्यादा रो रही थी, और मैं उन दोनों बेटियों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो दोनों बेटियाँ इतना फूट फूट के रो रही थी ना, मैं उनको पहले समझा रही थी कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, आप रोना नहीं, देश तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को, यहाँ तक कि मैं दोनों बेटियों को संभालने की कोशिश भी कर रही थी, और मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और एक महिला होने के नाते है, और जब दोनों बेटियों को ऐसे बिलखते हुए रोते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो अगर लोगों को आंसू भी झूठे लगते हैं तो वो उनकी अपनी सोच है, हो सकता है वो लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन आंसू हमारे बस में नहीं है, मेरे आंसू मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे आंसू किसी को मेरी कमजोरी लगते हैं या नाटक लगते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। सुदेश जी की रियल लाइफ कैसी है, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं वो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो वास्तविक जीवन है वो कैसा है? क्योंकि अगर आपके ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे तो कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि हम मतलब यही काम करते हैं या ऐसे हैं, जो कहा जा रहा है वो गलत है। मैंने भी बताया ना, अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, और जो सरकारें हैं जो अलग गलत नीतियाँ सरकारें लाएंगे, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, आंदोलनजीवी कहते तो कहें, इन्होंने तो हमें किसान आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने तो हमें आतंकवादी भी कहा था, सरदार भाई पगड़ी वाले आ जाए तो उनको इन्होंने खालिस्तानी भी कहा था। तो इनका काम आरोप लगाना है, हमारा काम है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो इनका मर्जी है, जितना आरोप लगाना लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, और जहाँ अन्याय होगा वहाँ सुदेश जरूर मिलेगी, जो कहना है कहें। पहले प्रदर्शन में आप हिस्सा ली थी, कोई वो आरोपी या किसी का पेंशन का था वहाँ? वन रैंक वन पेंशन का, क्योंकि मैं भी एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ, और जब मैंने यहाँ पे देखा वीर नारियों का, मेरे घर की दाल रोटी अच्छे से चल रही थी, लेकिन मैंने यहाँ वीर नारियों का जब देखा कि 3,500 रुपये बेसिक पेंशन में, उनका घर का चलाना कितना मुश्किल है, क्या जाने ये लोग टीवी पे बैठने वाले एक शहीद सैनिक की पत्नी कैसे घर चलाती है, वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरती है, कैसे उसके घर का चूल्हा चलता है, उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए। और ये जो कहते हैं कि आंदोलनजीवी, 810 दिन मैंने रिले हैंगर स्ट्राइक की थी, 810 दिन लगातार, करीब करीब 2.25 साल तक लगातार सुबह चाय पी के मंच पे बैठना, सारा दिन सिर्फ प्लेन पानी पीना, सारा दिन प्लेन पानी पीना, चाहे होली आई दशहरा आया, और शाम को 5 बजे मंच से उतर के घर जाके रात को खाना, अगर वो तब भी इतना भूखा बैठ के कोई अगर अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसको आंदोलनजीवी कहते हैं तो वो उनकी सोच है, उनकी मर्जी है। मैम, आप क्या कहिएगा यहाँ पर, जैसे आप हैं आपका तो यहाँ पर क्या, अभी जिस तरीके से दोबारा से दिल्ली पुलिस कह रही है कि नहीं, हमने हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, वीडियो ही नहीं है कि हमने किसी को गाली दी, किसी को पीटा, तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहिएगा? देखिए, विनेश फोगाट ने जो यहाँ पे बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, विनेश के फोगाट के बयान सारे दर्ज हो चुके हैं, पुलिस वालों के भी बयान दर्ज हो गए, फैसला फिर कोर्ट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।